ओ हाँ रे, बेलना चौकी तो चाहिए ना बेलने के लिए। तो भी तो बोल सकते लाडो। हाँ बोल। हाँ तो मैं ही बोलूंगी। आज तो बोल तो कल कहूंगी। आज भी बनाऊंगी कि नई तरीके से आलू के पराठा। आलू को पराठा नहीं बोलते उसको। ये आलू है, इसमें मसाला वसाला डाल दिए, प्याज व्याज, ये थोड़ा मर्चा को भून लिए है, भूनने के बाद इसमें डाल देने, कूटे नहीं है। ठीक कर ना सामने सामने ठीक कर, दिख रहा था। वो तो ऐसे तुम बना रही हो तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा नमक भी डाल देते। कितना क्या नमक लगेगा उसका स्वाद अनुसार। ये लो नमक डालने वाले थे तो वो लो नमक आई ना भाई कम पड़े इसके वजह से। हाय फ्रेंड्स, आपको हमारी न्यू ब्लॉग में स्वागत है, राजन मोनी ब्लॉग में। आई होप कि आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से और बेल आइकन जरूर दबाए। इसमें तो हरा मिर्च, हरा धनिया डालते हैं ना, हरा धनिया, कैप्सिकम, गाजर, वो सब तो अभी फिलहाल घर में नहीं है। हाँ जो है उसी से बनाएंगे। ठंडा का टाइम है अभी, जैसा चाहे वैसे रोटी बना के खाओ, पराठा बनाओ, रोल बना के काट काट के पीस में तेल में तलो, वो नया वाला रेसिपी बनाएंगे। कितना बार बना बना कर अनन्या को खिलाए हम, आज हम उसको दिखा रहे ब्लॉग में। कुछ तो बनाना तो पड़ेगा ना, आप लोग को दिखाना तो है। अब हिल रही है मेरा, यू भी हिल रहा होगा। अब तो सिर्फ इधर का दिखा रहा। देखो तो लाडो नीमक है, चोखा का देखो कैसा रही है, देखो तो इतना नीमक है। देखिए दी नमक है, अब ज्यादा हसस मत कर, इतना सारा दे देना पानी। मुर्जा में झाल है, उल्टा सीधा मत दिखाया करो, सीधा दिखाओ। आटा का तो मैं ऐसा गोला गोला करके ले ली हूँ, बोले इतना बड़ा लेने को आटा लगा के थोड़ा बेल लेते हैं। है नहीं पता, बता रसगुल्ला था ना जो तुम बताई थी। हाँ हो भाई, हमे को नहीं खिलाई। अब रसगुल्ला का टॉपिक छोड़ो, नया रेसिपी में फोकस करो। जब तुम बेलते तो इससे का हो जाता, इससे मैं तो मैसे ऐसे करके बेलते हैं, ऐसे करने से जल्दी हो जाएगा। हाथ से लगाएगी ना ये चम्मच से? हाथ से ही लगाते हैं। क्या बोला था, घोल बनाने? साइड में भी लगाता है ना, सुंदर दिख रहा है इसमें। ठीक है सामने में तो कितना लाल दिख रहा है ना, इसमें तो पीला पीला। किसमें पता नहीं, कैमरा सादा कैमरा में प्रॉब्लम है। अब मोर सही है ना, गोल फोल्ड कर दे रहे, क्या है सब प्रॉब्लम है। बहुत ही से काट पाओगी? कितना लोग ना धा छुरी होता है ऐसे छुआ बुधा काट किया। मेरे पास छुरी तो है, ये काटेंगे तो छितर जाएगा, इसीलिए हम सोच रहे कि
इससे भी तो छीटा है। देख कितना आराम से हो रहा है। ओएमजी हे ऐसे वाला केक भी होता है, बहुत यम्मी होता है, बहुत खाई कभी, इतना टेस्टी पतला पतला करना। दस को बनना चाहिए इसमें, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस हो गया। तो प्लेट लिखाते हैं क्योंकि उसमें चोखा लगा हुआ है ना। दो लोइया का बना दिया। अभी यहाँ पे बाकी है ना, एक दो बाकी है। अच्छा लग रहा है देखने में। देख लो सुंदर यम्मी लग रहा है। टमाटर सॉस के साथ खा लेगी। कहाँ दिखा रही, इसमें फोकस करो, दो मैं ही करती हूँ, छोड़ दो। पूरा हो गैसा तो इधर आ गया है ना सरक के, इसी वजह से हो नहीं रहा। कहाँ दिखा लगे से, तेल गरम था, फटाफट हो जाता। हाँ कहाँ भूखा ही हो, एक यहाँ हाँ एक यहाँ हाँ एक यहाँ, इसमें भी बनाया है। हटो उजाला कम है, इसमें भी बनाए हैं, यहाँ भी रखे हैं कच्चा, अभी ये वाला पक गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा, सुनहरा कलर हुआ है भाई, देखो खाकर कैसा लग रहा है। अभी तक गर्म है ना, गर्म है तो माता दी धुआं धुआं क्यों, अभी देख रहा मोबाइल में। एक पैक रखे चिपक ना जाए, इसका ही डर है मुझे पूरी का जैसा। क्या पूरी बना रही हो, कहाँ फूल बन रहा बाबू। तो ऐसे ही तो डाला जाता है कढ़ाई में। सड़ा से दो तो है। चाय है, चाय हम बनाए नहीं तो चाय कहाँ से आएगी। तो उसमें क्या है, बना था बिल्कुल, उसमें है पानी, मैंने चाय पत्ती है। भी डाल दिए पकने को, उसको देखते हैं कैसा होता है, उस लोग को दिखाते हैं सारा रेसिपी। इतना सुंदर नाश्ता बनाया है खाने के लिए भी। अभी तक गया टीवी आस्ते करो, हे भगवान। सब प्याज वाज सब निकल गया है, उसका घोल बनाना था तो हम घोल बनाए नहीं, नॉर्मली बना चुके।
इसने कितना सुंदर बनाया आलू का पराठा। मैंने आलू का पराठा जैसे मैंने बनाते हैं ना, इसमें हम क्या कर लिए, डाल दिया आलू। नाश्ता नया, ये नया तरीका का नाश्ता है। ऐसे बना के अब टमाटर का चटनी के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाने में। इसमें तो हम ये वाला कर रहे हैं ना, ये आलू का कहाँ कहाँ हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, अकेला करना पड़ता है। कितना सुंदर लग रहा देखने में नाश्ता। ये नई तरीके का नाश्ता है, आज मैंने अपने घर में पहले से ही बना रही थी, तो मैं आज आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किए। मैं तो अनन्या की ये तो फेवरेट है, आलू टिक्की, गेहूं के आटे का टिक्की आलू डाल के। तुम्हारा फेवरेट है तो टेस्टी तो रहेगा ना, आलू तो इसका बहुत फेवरेट है। छोटा से कुछ खाया चाहे ना खाया, आलू खाया है। ऊँ का कोई नई बात है क्या? ऊँ पापा का भी टिफिन में डाल देना होगा ये वाला। सारा तो मेरा ये वाला भी बन गया। छटक रहा प्याज है ना, चटपट चटपट चटपट। चलिए दोस्तों, कल इतनी ब्लॉग में मिलेंगे। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन जरूर दबाए। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय, बोलो संटू, बोलोगी?